Hello everyone, welcome to the platform of AMC. Thank you so much guys for supporting me and AMC. आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा. चलिए, हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर लाइव प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि लाइव प्रोसेस क्या है. हमने किया था ना कि बैक टू बैक रिविजन हमें लेना है प्रीवियस लेक्चर का, यहाँ पर रिविजन लेंगे. तो एक बार उसका रिविजन लेते हैं फिर आगे पढ़ना कॉन्टिन्यू करेंगे. तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि लाइव प्रोसेस क्या है. लाइव प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस, जो जरूरी फंक्शन थे हमारी लाइफ के लिए, यानी कि जीने के लिए जो जरूरी जो प्रोसेसेस थे वो सारे क्या थे, लाइव प्रोसेस कहलाते थे. ठीक है, इसके हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे जो आपके सिलेबस में कवर अप होते थे. जैसे न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन के बारे में, और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन. इसके हमने टोटल चार पार्ट्स पढ़े थे, जिनमें से न्यूट्रिशन के बारे में हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन क्या था, कि खाना खाकर उसको पचाना, इट मीन्स फूड को खाना, फूड को खाकर उसको बचाना और उसको बचाकर एनर्जी पाना. तो वो हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में. वहां हमने उसके दो टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से, ऑटोट्रॉपिक्स जो अपना खाना खुद बनाते थे, फिर हेटरोट्रॉपिक्स जो अपना खाना औरों से लेते थे. फिर हेटरोट्रॉपिक के टोटल तीन पार्ट्स आए थे, कौन कौन से, सेप्रोट्रॉपिक था, पैरासाइटिक था और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था. तो टोटल हमने तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें टोटल तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे. सेप्रोफाइट्स वो थे जो सड़ा गला खाएंगे उसको बचाएंगे, और पैरासाइटिक होस्ट बनाएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, इंजेक्शन से खाएंगे, डाइजेशन से बचाएंगे और एक्सक्रीशन से वेस्ट बाहर भगाएंगे. तो ये हमने उसमें पढ़ लिया था. तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में. ठीक है, पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को कवर अप करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे. तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास में वो क्या है, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स. ठीक है, बाकी टॉपिक्स हम अपकमिंग वीडियोस में क्लैरिफाई करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की. तो ये तो हमने पढ़ा ही था, न्यूट्रिशन फूड को खाना, फूड को खाकर उसको पचाना. अब अगर बात करते हैं प्लांट्स की, तो हमें पता है कि प्लांट्स तो लिविंग होते हैं, ये तो सब जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं. अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट्स को भी तो खाना चाहिएगा ना, जिंदा है तो खाना ही पड़ेगा, है ना. तो जिंदा है तो खाना ही पड़ेगा, तो खाना बनाना भी तो पड़ेगा. क्योंकि ग्रीन प्लांट्स कौन सी कैटेगरी के अंदर आते थे, वो आते थे ऑटोट्रॉप्स कैटेगरी के अंदर. तो अब क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाएंगे, हमें ये पकड़ना है. ठीक है, देखिए ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स में लीफ, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में हमने कहा ये हमारे पास में लीफ है, और इस लीफ के अंदर कुछ ऐसे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रीन है. ठीक है, इस लीफ के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, दैट ग्रीन कलर पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. उस ग्रीन कलर हम पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं. और ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट क्या करता है, ये जो क्लोरोफिल है यही करेगा, एब्जॉर्ब सनलाइट यही क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है. इट मींस ग्रीन प्लांट्स के अंदर लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है. ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है. कि ठीक है भैया, ये तो हमने पढ़ लिया सनलाइट को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, लेकिन सनलाइट का क्या यूज है, इसको खाना बनाना है अगर प्लांट को, तो उसमें सनलाइट का क्या रोल है, ये तो हमें पता ही नहीं है. कोई बात नहीं, अब देखते हैं जरा कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं. एक्चुअल में प्लांट को खाना बनाने के लिए, प्लांट की अगर बॉडी, अगर हमने कहा कि इस तरह से, अगर हमारे पास में ये प्लांट की कोई भी एक बॉडी है और हमने यहाँ पे ये इस तरह से इसके रूट्स वगैरह अगर बनाई हैं, ठीक है, ये ऐसे अगर हमने यहाँ पे बनाया है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हमने इसको बोला ये है रूट्स, और ये हो गए हमारे पास में लीफ, और ये वाला पोर्शन ऊपर हो गया हमारा स्टेम का, और बाकी हमारा ट्री हो जाएगा एज इट इज. ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए इनको क्या क्या चीजें चाहिए, पहले रॉ मटेरियल क्या चाहिए वो देख लेते हैं. तो रॉ मटेरियल इनको क्या क्या चाहिएगा, इनको चाहिए वाटर, ठीक है, इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनको चाहिए सनलाइट, जिससे अपना के खाना बना सकें. तो इनको क्या चीजें चाहिए, इनको वाटर चाहिए, इनको CO2 चाहिए, और इनको सनलाइट चाहिए, किसके साथ में, क्लोरोफिल के अलोंग, किसके साथ, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा था कि क्लोरोफिल के अलोंग इनको ये चीजें चाहिए. तो होता क्या है, अब कैसे प्रोसेस होता है इसके बारे में जरा देख लेते हैं, कैसे प्रोसेस होता है इसके बारे में भी हम जरा पढ़ लेते हैं. कि सबसे पहले ये जो रूट्स होती हैं, रूट्स क्या करती है, सबसे पहले नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं,
सबसे पहले रूट्स क्या करती है भाई, मैंने कहा तीन रो कंपोनेंट्स चाहिए, जो वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट सन से मिल जाएगी, क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट है, तो खाना बनाएगा कैसे। सबसे पहले पहला स्टेप, वाटर आएगा कहां से, नीचे से, यानी कि सॉइल से क्या लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो सॉइल से क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब वाटर एब्जॉर्ब हुआ, तो वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद यहां से नीचे रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। नीचे क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं, इस चीज को मेंशन कर लेते हैं। नीचे क्या होता है हमारे पास में, रूट हेयर्स होते हैं, और रूट हेयर्स के थ्रू क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो चलिए पानी का काम तो हो गया पूरा, भाई पानी चाहिए था, ठीक है भैया पानी तो ले लिया प्लांट ने। बात करते हैं CO2 की, अब CO2 कहां से लेगा, तो CO2 लेने के लिए क्या करता है, लीव के नीचे कुछ और पोर्शन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इनके बारे में आगे जब हम रेस्पिरेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में, तब डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टोमेटास क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। फिलहाल सिर्फ देख लेते हैं, जितना जरूरी है उतना पढ़ लेते हैं कि आपको टॉपिक क्लैरिफाई हो जाए। तो नीचे कुछ स्टोमेटा होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। वो स्टोमेटा दिखते कैसे हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास में, ठीक है, कुछ इस तरह की सेल्स दिखती हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह का पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हम स्टोमेटा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये स्टोमेटा ही काम करवाते हैं गैसियस एक्सचेंज का। गैसेस एक्सचेंज का मतलब, जो मैंने बोला ना CO2 एंटर करती है, अब CO2 कहां से एंटर करने वाली है, जो CO2 एंटर करेगी वो जो CO2 है वो इन स्टोमेटा के थ्रू ही अंदर एंटर कर पाती है प्लांट में। और जैसी वो CO2 प्लांट के अंदर जाती है, यानी कि लीव्स के अंदर स्टोमेटा है, मैंने कहा स्टोमेटा क्या करते हैं, कभी स्टोमेटा खुल जाता है, कभी स्टोमेटा बंद हो जाता है, कभी जो स्टोमेटा है कभी तो वो खुल जाते हैं, कभी स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है कि जैसे स्टोमेटा अगर बंद है तो ऐसे है, जब खुलेंगे तो ऐसे बना लेंगे, इसके अंदर से क्या होगी हमारे पास में गैस आएंगी और गैसेस बाहर रिलीज होंगी। तो ये गैसेस एक्सचेंज करवाने का जो काम है वो कैसे करते हैं, वो ये स्टोमेटा करते हैं। तो CO2 मिल गए इनको स्टोमेटा के थ्रू। बात आई सनलाइट की, अब सनलाइट के लिए तो भाई सूर्यदेव तो है ही प्रकट, तो सूर्यदेव क्या करेंगे, इनको सन जो करेगा वो सन से क्या मिलेगी, इनको सनलाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में क्लोरोफिल तो लीव्स के अंदर प्रेजेंट ही था, तो क्लोरोफिल की हेल्प से सन की जो लाइट थी वो एब्जॉर्ब कर ली गई। फाइनली जिन जिन की रिक्वायरमेंट थी, भाई वाटर चाहिए था तो वाटर मिल गया, CO2 चाहिए थी CO2 मिल गई, सनलाइट चाहिए थी सनलाइट मिल गई, अब तो खाना बनेगा, ठीक है। जैसे हमें खाना बनाने के लिए दाल चावल आटा ये सब चीजें चाहिए, नमक मिर्च हल्दी, तो प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए वाटर CO2 सनलाइट। और जैसे ही रॉ मटेरियल इकट्ठा होगा, प्लांट अपना खाना बनाने का प्रोसेस करना शुरू कर देगा, ठीक है। प्लांट अपना जो है खाना बनाने का प्रोसेस वो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसको रिएक्शन की फॉर्म में भी पढ़ा जाता है। रिएक्शन कैसे देखता है, चलिए एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, जरा क्या रिएक्शन है हमारे पास में, ठीक है, देखते हैं रिएक्शन क्या है। रिएक्शन इज कि सबसे पहले CO2, तो 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स क्या मिलने वाला है, मिलेगा यहां पे C6H12O6 प्लस साथ में क्या निकलता है हमारे पास में 6O2 अलग निकल जाती है। तो प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में वो क्या लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे, साथ में क्या निकलता है ये C6H12O6, ये क्या है ग्लूकोज, जिसको प्लांट्स का खाना कहते हैं, ये क्या है प्लांट का खाना प्रिपेयर हो जाता है। साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस अलग निकल जाती है जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इतनी बात, तो CO2 लिया, H2O लिया, क्या निकाला, ग्लूकोज निकाला और O2 निकाला, ठीक है इतनी बात। तो इस तरह से प्लांट्स ने अपना पूरा खाने बनाने वाला प्रोसेस कर लिया, ठीक है भैया, ये तो हमें समझ आ गया। अब ये तो हमें क्लैरिफाई होगा कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, इस प्रोसेस का कुछ नाम भी तो होगा ना, तो यस, इस प्रोसेस का नाम क्या है, प्लांट्स के फूड बनाने वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना बनाते हैं,
ठीक है, इतनी बात। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये पूरा प्रोसेस यहां पर एक्सप्लेन हो गया। चलिए जरा एक बार इसको जल्दी से देखते हैं। तो यहां पे देखिए कि प्लांट का एक पूरा डायग्राम हमने प्रॉपर तैयार किया, जिसमें प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट हमने क्या क्या बनी जो उसको चाहिए। भाई उसको वाटर चाहिए, उसको CO2 चाहिए, ठीक है, और सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल उसके पास लीव्स में होता है। तो इन चारों चीजों को मिलाने के बाद वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट ने रूट्स में से नंबर वन रूट्स में से उसने क्या लिया है, वाटर को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, सॉइल पार्टिकल के बीच में कुछ एयर के गैप्स होते हैं जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं। तो हमने पढ़ा कि रूट्स के पास में क्या है, रूट्स के पास में कुछ रूट हेयर्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि रूट्स के पास में यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये रूट हेयर्स क्या करवाते थे, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब नंबर वन पोजीशन पे वाटर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद ऊपर पहुंचा बाय द जाइलम टिश्यूज। अब जाइलम टिश्यूज क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आप इतना सुने कि पानी को प्लांट की बॉडी में ऊपर तक लेके जाने के लिए जो टिश्यूज काम करते हैं वो कौन है, वो है जाइलम टिश्यूज। ठीक है, जाइलम टिश्यूज पानी को ऊपर तक लेके जाएंगे। फाइनली खाना पहुंचा जो मतलब सॉरी वाटर जो था पहुंचा लीफ के अंदर। अब लीफ के अंदर पानी पहुंच गया है, लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है। हमने पढ़ा स्टोमेटा क्या कर रहे थे, गैसेस एक्सचेंज करवाते थे। तो इनके अंदर CO2 पहुंच गई, भाई स्टोमेटा के थ्रू CO2 अंदर एंटर कर गई। अब क्या हुआ, उसको पानी मिल गया, CO2 मिल गई, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, उसने सनलाइट को ऊपर से एब्जॉर्ब किया। तो सनलाइट जैसी ऊपर से एब्जॉर्ब हो रही है तो ये CO2 और वाटर जो मिले थे कंबाइंड होने के बाद सनलाइट से रिएक्शन होगी इसकी प्रेजेंस में, और रिएक्शन होने के बाद में ग्लूकोज बनेगा और साथ में इसका ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग निकल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस किस कैटेगरी में जाता है, फोटोसिंथेसिस की कैटेगरी में जाता है, जिसमें अपना प्लांट जो है अपना खाना बनाता है और अपने आप को क्या मिलेगा, एनर्जी लेगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये पूरा जो प्रोसेस हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, इस तरह से पार्ट्स में होता है। ठीक है, इतनी बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हमें जो बात कर लेनी चाहिए, जैसे अब प्लांट ने भैया खाना तो बना लिया, ठीक है, लीफ में ही क्यों बनाया। एक्चुअल में है क्या, लीफ को प्लांट की फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, लीफ को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट भी बोलते हैं या हम इसको फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। भाई चलिए मान लेते हैं हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले ली, वाटर हमने क्या कर लिया, नीचे से एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अभी भी मुझे जो एक मेन चीज चाहिए, व्हाट वाज दैट मेन थिंग, द थिंग इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट है, लीफ में ही तो है। जब लीफ नहीं काम करेगी तो फिर कहां से खाना बनेगा, तो वो क्लोरोफिल सिर्फ लीफ में ही प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू खाना बन सकता है। तो इसी वजह से लीफ्स में क्या होता है, पूरे प्लांट के लिए खाना तैयार होता है। अब क्या होगा भाई, लीफ्स ने खाना तो बना लिया, खाना तो पूरे प्लांट को चाहिएगा ना, तो इसी लीफ के थ्रू जो खाना है हमारे पास में वो एक प्रॉपर नेटवर्क होता है जो पूरे प्लांट की बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक खाने को पहुंचा दिया जाता है, जिससे पूरा जो प्लांट अपना प्रॉपर जो प्रॉपर जो फंक्शन जो है वो पूरी तरह से कर सके। यानी कि क्या होगा, लीफ में खाना बना, ऊपर पहुंचा, नीचे पहुंचा और काम खत्म, प्लांट को पूरा खाना मिल गया, बस एनर्जी मिल गई, ये तो पूरा हो गया हमारा काम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और सुन लेते हैं, चलिए उससे पहले इस पूरे प्रोसेस को रिवाइज कर लेते हैं। एंड AMC स्टाइल याद तो रखना है ना, अब ट्रिक्स बनानी है तो AMC स्टाइल में इसको वापस से रिवाइज करेंगे। कैसे, क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, जरा बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये क्या करते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। अब प्लांट्स की जो किचन है, प्लांट्स की किचन कहलाए लीफ, बनाती है ये बहुत सारी चीज। तो प्लांट्स की किचन कौन कहलाती है, लीफ कहलाती है, जो कि लगभग प्लांट के लिए जितना न्यूट्रिशन जरूरी है वो सब उसको प्रोवाइड करके देती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, एक बार पूरे प्रोसेस को रिवाइज करने वाले हैं। तो उसके लिए शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि स्टेम्स और रूट्स ने नीचे से पानी पहुंचाया, लीफ ने स्टोमेटा, लीफ में जो स्टोमेटा है उन्होंने CO2 पहुंचाया। ठीक है, प्लांट्स में रूट्स ने और स्टेम ने नीचे से पानी पहुंचाया, स्टोमेटा ने CO2 मिलाया और सनलाइट एब्जॉर्ब करके तीनों ने मिलकर अपना खाना बनाया। ठीक है, तीनों ने मिलकर अपना क्या कहा, खाना बनाया, जिसके थ्रू क्या हुआ, लीफ में खाना बना और खाना बना के पूरे प्लांट में पहुंचाया। तो यहां तक तो ये हमारा काम पूरा हो जाता है कि प्लांट्स ने अपना खाना बना लिया था, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया था।
अब बात कर लेते हैं कि भैया इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस यही है कि पहले क्या करना, अब इसने क्या करा है, पहले तो वाटर और CO2 लिया, ठीक है, उसके बाद में सनलाइट के थ्रू क्या होना है, सनलाइट का एब्जॉर्ब होना है क्लोरोफिल के थ्रू और खाने का बनना है, ठीक है, फिर जैसे खाना कंबाइंड हो जाएगा ग्लूकोज बनके तैयार हो जाएगा, तो ये हमारे पास में इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद जैसे एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक्चुअल में जब हम लोग फास्ट रखते हैं या हम कुछ नहीं खा पाते या इतना ज्यादा जरूरी कुछ काम आ गया कि हम खाना ही नहीं खा पाए, तो काम तो हम फिर भी कर रहे हैं ना, बैक टू बैक हमें काम तो करना ही करना है, तो जब हम खाना नहीं खा पाते तो हमारी बॉडी में कुछ फूड स्टोर्ड होके रख लिया जाता है। मान लेते हैं जैसे रेनी सीजन आ रहा है तो उस टाइम पे धूप नहीं मिल पा रही, अब सनलाइट तो जरूरी है खाना बनाने के लिए, तो फिर कैसे करेंगे, तो प्लांट क्या करते हैं, इसकी भी तैयारी करके रखते हैं पूरी तरह से, वो क्या करते हैं कि अपनी लीव्स के अंदर वो फूड स्टोर करके रख लेते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी लीव्स के अंदर कुछ वो फूड स्टोर करके रखेंगे, एंड दैट स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड स्टार्च। उस फूड को हम क्या बोलते हैं, उस स्टोर्ड फूड को हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टार्च कहते हैं, जो प्लांट अपने पास में स्टोर करके रख लेते हैं जिससे वो बाद में उनके काम आ सके, यानी कि जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो उसे यूज में ले लें, कि भाई धूप नहीं निकली चलो ठीक है स्टोर तो है ही खा लेते हैं उसको, उससे वो अपना जो काम है वो कर सके, तो वो फूड क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, इस क्वेश्चन का आप मुझे जरूर आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि डेजर्ट प्लांट्स हमें पता है कि वो प्लांट जो डेजर्ट्स में होता है जनरली, अब उनको दिन में सनलाइट तो बहुत अच्छी मिल जाती है लेकिन पानी तो अवेलेबल नहीं हो पाता इतना, और हमने पढ़ा है कि भैया CO2 चाहिएगी, वाटर चाहिएगा और सनलाइट चाहिए होती है, तब जाके हमारा खाना बन पाता है, तब जाके ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, क्योंकि दिन में अवेलेबिलिटी पाने की बहुत मुश्किल है, तो वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, कि उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो उन्हें भी करना है, तो वो कैसे करते हैं, इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स एक्टिवली इसका जवाब देते हैं, और फिर इसका जो आंसर होगा हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब एक बार जो आज हमने पढ़ा एक बार उसको जल्दी से रिवाइज अप करते हैं। हमने पढ़ा प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, नीचे से रूट्स और स्टेम से पानी लाते हैं, लीव्स में स्टोमेटा CO2 पहुंचाते हैं और ऊपर से सनलाइट एब्जॉर्ब करवाते हैं, कौन, क्लोरोफिल, तीनों मिलके क्या करते हैं, प्लांट का खाना तैयार करवाते हैं, और खाना तैयार करवा के पूरे प्लांट की बॉडी, प्लांट में ऊपर, प्लांट में नीचे, हर डायरेक्शन में खाने को पहुंचाते हैं, और अपना खाना कुछ स्टोर करके भी रख लेते हैं, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, आज के लिए बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन केस अगर आपको AMC स्टाइल पसंद आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें फॉर गेटिंग मोर न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग दिस, और यस कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम मैच करेंगे। ओके, थैंक यू।